आईफोन का ड्रॉप टेस्ट चाहते हो हैं? एक बार गिरा के तो देखिए सर कैसा है। तुम्हारी उम्मीदें बहुत बढ़ती जा रही है। चल तो वैसे नहीं रहा ये फोन, एप्पल तो गिरा वैसे ही हुआ है, ऊपर से पेड़ से पहले न्यूटन के सिर पे गिरा था। कोई नहीं, वैसे ही बहुत मजे ले लिए हैं। नया लेदर केस लिया था, फोन खराब हो गया। बताओ ये केस ही मनुष्य है। सब कहते हैं पैसे इतने कमाते हो, खर्च कहाँ करते हो? फोन में करते हो खर्च। अभिषेक, और जैसा कि आप जानते होंगे शायद अगर आपने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे और हमारा पुराना वीडियो देखा है हमारे चैनल पे, जो कि था इस बारे में कि कैसे मेरा आईफोन 10 हो गया खराब यानी कि बर्बाद, जिसे मैं यूज ही नहीं कर पाया और एक ही दिन में मैंने काफी सारी कॉल्स मिस की। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे टिप्पणी दी कि आप इसका सिम कार्ड निकाल के दूसरे फोन में लगा सकते थे, आपके पास तो बहुत सारे फोन होते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए और वापस सिम कार्ड की ट्रे टूल नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं और बेबस हो जाते हैं कि आपका फोन जो है नहीं चल रहा है और आप दूसरे फोन से काम चलाते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरा फोन है तो दूसरे फोन में भी सिम कार्ड होता है। बट एनीवेज, फिलहाल मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आईफोन 10 मेरा ठीक हो चुका है। आज मैं जाने वाला था सर्विस सेंटर यानी कि एप्पल के सर्विस सेंटर, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि एक ट्रिक मैंने आजमाई जो कि हमें बताई हमारे एक फॉलोवर ने, यानी कि आप लोगों में से कोई एक भाई सब यहाँ पे हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ पे हेल्प की इस प्रॉब्लम से लड़ने में, इसको फिक्स करने में। तो उनका नाम यहाँ पे ले देते हैं, साथ ही साथ फीचर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपको और आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही हम यहाँ पे बने हुए हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको अपना आईफोन 10 फिक्स करना है तो क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से फिक्स करेंगे जिसके अंदर आपको आईफोन को रीसेट करना होता है, यहाँ पे होता ही है कि आईफोन बेसिकली आपका हैंग स्टेट में चला गया है और हैंग स्टेट से वापस आने के लिए आपको पावर बटन, अप और डाउन बटन और साथ ही साथ मल्टी फंक्शन बटन तीनों एक साथ दबाने होते हैं। उसके बाद वो चीज़ हो जाती है, एप्पल का लोगो आ जाता है, उसके बाद वो फोन रीसेट हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। नॉर्मली ऐसा होता है जब आईफोन हैंग स्टेट में होता है, लेकिन जब ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ वाले इशू के अंदर आईफोन आपका फंस जाता है, यानी कि आपका आईफोन ना सिर्फ हैंग हुआ है साथ ही साथ आपका डिस्प्ले भी ब्लैक हो गया है, यानी कि टच स्क्रीन जो है काम नहीं कर रही है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे प्रोसीजर है। इसके बाद आपको दबाना है वॉल्यूम अप बटन, फिर वॉल्यूम डाउन बटन क्विकली, और उसके बाद दबाना है मल्टी फंक्शन बटन कुछ इस तरह से, और फिर वेट करना है स्क्रीन का, और स्क्रीन पे आपको एप्पल लोगो जब तक नहीं दिखे तब तक उसे दबा के रखना है। और जैसे ही आपको एप्पल लोगो दिख जाए यानी कि फोन जो है आपका रीसेट मोड में आ गया है। अगेन यहां पे तो एप्पल लोगो आया है क्योंकि फोन ठीक से चल रहा है। अगर आपके फोन के अंदर डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक है तो उस केस में आपको कनेक्ट टू आईट्यून्स वाली जो चीज है वो दिखने लग जाएगी, और जैसे ही वो दिखने लग जाए तो आपको केबल रिमूव कर देनी है और दोबारा जो है यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन को दबाना है जिससे आप सिरी लॉन्च करते हैं अपने आईफोन 10 पे, और वो दबाने के बाद आपका फोन जो है नॉर्मल तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका डिस्प्ले जो है वापस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन 10 को फिक्स कर सकते हैं अगर वो हैंग हो गया है, और इस तरह से आप उस रेजोल्यूशन को पा सकते हैं। और ऐसा कुछ करने से आपका फोन ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले यहाँ पे वापस आ गया है। तो कुछ इसी तरह से आईफोन 10 का डिस्प्ले रिज्यूम हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ये कोई इशू ऐसा नहीं है जो कि हार्डवेयर इशू हो। तो ऐसे में मैं इसीलिए सर्विस सेंटर नहीं गया क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इशू है, और बाकी आईफोन 10 में भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और ये एक प्रॉपर रेजोल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपने आईफोन 10 को फिक्स कर सकते हैं अगर या वो हैंग हो गया है या फिर आपको ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ वाला इशू आपके आईफोन 10 में आ गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपने आईफोन 10 को, आईफोन 8 को, 8 प्लस को, सबको फिक्स कर सकते हैं अगर आपको उसमें मिलता है ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ, जो कि एक नोन इशू है। आई होप कि एप्पल इसे फिक्स कर देगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इशू है, इसीलिए मैं इसे सर्विस सेंटर नहीं लेके जा रहा हूं। अगर ये हार्डवेयर इशू होता तो ऐसे में आपको सर्विस सेंटर आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी कि अगर जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी उससे आपका फोन फिक्स नहीं हुआ है तो यानी कि आपके फोन के हार्डवेयर में कुछ फॉल्ट है, डिस्प्ले का आईसी उड़ गया है, कुछ तो हुआ है, और ऐसे में आपको सर्विस सेंटर लेके जाना चाहिए और वारंटी के अंदर इसको ठीक करा लेना चाहिए अगर वारंटी के अंदर आपका फोन है, अदरवाइज आपके पैसे ठुकेंगे और आपके पैसे लग जाएंगे और फिर आपको होगा दुख कि आपने क्यों लिया आईफोन 10 अगर आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कुछ लोगों के साथ जब तक मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो शायद आपका हो चुका है ऐसा काम और आपका
कट चुका है, यानी कि नुकसान हो चुका है बड़े वाला। बट एनीवेज नुकसान तो होता ही है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप लेके जाइए इसे एप्पल सर्विस सेंटर और ठीक करा लीजिए फोन को, और कोई चारा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं कराओगे तो बेच भी नहीं पाओगे, खराब फोन कोई नहीं खरीदता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के फिक्सेस और अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल्स और साथ ही साथ टेक रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। नहीं करेंगे तो लाइक बटन जरूर दबा के जाना, इतना तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।